वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क ट्रेंड के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे समय में यूरोप की यात्रा पर हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है। ऐसी परिस्थितियों के बीच पीएम मोदी ने अपने पहले पड़ाव जर्मनी में विश्व बिरादरी को यही संदेश दिया है कि ये नया भारत है, भारत अपने संकल्पों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय को आश्वस्त किया है कि भारत बदल रहा है। भारत जर्मनी के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, खासकर क्लीन एनर्जी के लिए भारत और जर्मनी ने 10.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब मोदी के डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर सबकी नजर है। आखिर इन दौरों से मिला क्या है या क्या मिलने वाला है और ये कितने महत्वपूर्ण है ऐसे समय में, इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा में पहला पड़ाव पूरा कर अब डेनमार्क पहुँच गए हैं। यहाँ विश्व के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। इसके बाद वापसी में वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मिलेंगे। ऐसे समय में जब यूरोप में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 यूरोपीय देशों की उड़ान भरी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी की एक बड़ी टिप्पणी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं है। पीएम मोदी का जर्मनी का दौरा काफी व्यस्त रहा। जर्मनी चांसलर के साथ इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन के सेशन में हिस्सा लेते हुए उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर होने के अभियान में जर्मनी से भागीदारी की अपील की। साथ ही भारत जर्मनी बिजनेस लीडर्स के आयोजन में भारत जर्मनी के उद्यमियों को स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या के बारे में भी जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने बिजनेस लीडर्स को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही के समय में भारत में बड़े बदलाव हुए हैं जिसका असर अब नजर आ रहा है। इंडो जर्मनी के राजनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर दोनों देशों के बीच 9 समझौते किए गए। इसमें खास तौर पर क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए साल 2030 तक भारत को जर्मनी से 10.5 अरब डॉलर की सहायता मिलेगी। बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने भारत में छोटे शहरों से एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्ता डेटा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तमाम पहलुओं को सामने रखा। पीएम मोदी की स्पीच में पूरा ब्यौरा था। आंकड़ों और तथ्यों से लबरेज उनकी स्पीच का यही सार था कि अब भारत तेजी के साथ बदल रहा है। जो जटिलताएं लोगों के सामने आया करती थी उसे दूर कर लिया गया है। पीएम मोदी ने प्रवासी लोगों को आश्वस्त करना चाहा कि ये दौर आया है कि दुनिया गेहूं की कमी का सामना कर रही है, लेकिन भारत का किसान दुनिया की भूख मिटाने में आगे रहा है। भारत के लोगों ने ड्राइविंग फोर्स पर आकर पूरा नजारा बदला है। यही नहीं, कोरोना के समय भारत ने वैक्सीन का निर्माण कर 100 देशों तक मदद भी पहुंचाई। पीएम मोदी को जर्मनी में वहां के शासन के स्तर पर पूरा सम्मान मिला। उनकी यात्रा को लेकर मेजबानों ने गर्म जोशी दिखाई तो वहीं भारतीय समुदाय के बीच कार्यक्रम में लोगों में खासा जोश भी दिखा। पूरे जर्मनी में जगह जगह भारतीय समुदाय के लोग इस आयोजन में हिस्सा बनने के लिए आए। उनके अभिभाषण में करतल ध्वनियां गूंजती रहीं, नारे भी लगते रहे। पीएम ने कहा कि बच्चे भी सुबह के ठंड में यहां तक चले आए हैं। मोदी इस समय डेनमार्क में हैं, जहां विश्व के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी होनी है और इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अमनप्रीत कौर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ वैभव अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमनप्रीत जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से बर्लिन में जो एक बड़ी हम कहेंगे सभा ही है, ये भी एक तरीके की, जिस तरीके से बिजनेस लीडर्स की वहाँ पर मीटिंग हुई है और वहाँ पर बहुत सारे बदलाव की बात हुई है, वहाँ पर एक आप देखेंगे लगातार कि बहुत नई चीज़ें रखी गई हैं और एक बड़ा उत्साह भी वहाँ देखने को मिला, तो ये जो यात्रा थी, इस यात्रा से कितना हमें लाभ मिल सकता है, कितने सहमत इससे आप हैं? देखिए, ये जो इस समय में विदेश दौरा हो रहा है पीएम मोदी का, ये एक बहुत अहम दौरा माना जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, एक तरफ उसको डिस्कस करने के लिए भी ये
सही समय लगा पीएम को, और दूसरी तरफ भारत में अपने पैर फैलाने के बाद, जैसे अभी भाजपा बहुत सारी स्टेट्स में अपनी सरकार बना चुकी है और जहां भी अपनी जय जयकार करने के बाद अपने नाम को और ऊंचा करने के लिए पीएम मोदी ने ये सही समय चुना है। जर्मन में जब बर्लिन में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहां पे उन्होंने पूरे जो जर्मन के इंडियन लोग जो वहां पे जाके बसे गए हैं उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत अब वैसा नहीं रहा जैसा आप छोड़ के गए थे। तो उनकी इस बात में बहुत सच्चाई भी है, क्योंकि जो लोग भारत छोड़ के जाते हैं संजय जी, उनका मेन मकसद यही होता है कि भारत विकास नहीं कर रहा, भारत में वो चीजें नहीं है जो उनको फॉरेन में अवेलेबल हो सकती है। तो उनका ये कहने का मतलब लोगों को साफ साफ समझ आया कि भारत अब पहले से बहुत तरक्की कर चुका है। जैसे उन्होंने जी शायद इसलिए उन्होंने कहा कि भारत अब बदल रहा है, ये शायद संदेश दे रहे हैं कि भाई आप लोग भारतीय हैं, आप यहाँ आइए वापस, और आपकी अब जरूरत है भारत को। और जैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया की एग्जांपल देते हुए बताया कि पहले प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे वो बोलते थे कि पीएम जो है वो अगर किसी की हेल्प करना चाहता है 1 रुपया भेजता है तो उनको 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे, पता नहीं कौन सा पंजा घिस लेता है, चाहे ये तर्ज के रूप में था कांग्रेस के ऊपर, पर एक तरफ से उन्होंने ये बताया कि अब भारत पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, जो अमाउंट है वो डायरेक्ट जी मुझे लग रहा है संपर्क जी नहीं करना पड़ रहा। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी वैक्सीन को जो बताते हुए बोला कि भारत जो है वो 150 देशों को वैक्सीन प्रोवाइड कर चुका है, और ऐसे ही भारत का जो किसान है वो संसार के लोगों की भूख को मिटा रहा है। तो ऐसे अपने देश की तारीफ करते हुए उन्होंने अपनी जो भारत की तरक्की हुई है इन सालों में उसको पूरे तरह से लोगों के सामने एक पिक्चर खड़ी कर दी, और मुझे लगता है कि लोग पिक्चर खड़ी करी है, लेकिन उस पिक्चर का कितना असर अब आएगा ये भी एक बड़ा, क्योंकि विपक्ष भी एकदम से इस पर तना हुआ है अमन जी, और नौ जो उन्होंने समझौते करे हैं उसका यही कारण है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए भारत में निवेश करने के लिए। बिल्कुल, ये सफल, वो कितने सफल हो पाते हैं ये फ्यूचर में पता चलेगा, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि पीएम विदेश दौरे पे ये कह के गए हैं कि हम लोग वहां से निवेश लाएंगे, पर अभी तक वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अभी भी वो सक्सेसफुल कितने होते हैं ये डिपेंड करता है कि कितने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, पर वो चीजें अभी बहुत जी बिल्कुल, लेकिन ये शुरुआत एक बहुत ही अहम समय पर हुई है, यही एक बड़ी बात है। निरंजन जी देखिए, अमनप्रीत जी ने बहुत सारी चीजें हमें बताई है, और वास्तव में हर किसी की नज़र है। अगर हम देखें, आप अगर बात करें जर्मनी और फ्रांस को अगर हम लें, तो कितना महत्व है भारत का यहाँ दोनों देशों के लिए, और क्या ये जो टाइमिंग है जिसे लेकर हर कोई बात कर रहा है ये सही समय था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वास्तव में एक तरफ युद्ध चल रहा है और उस युद्ध को लेकर पूरा विश्व उस युद्ध पर नज़र गड़ाए, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं तो ये एक बड़ी बात थी, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को विराम करने में भारत एक बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है, कितने सहमत हैं आप जी? जी संजय जी, देखिए मैं शुरू यहां से करूंगा कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद में यूएन के अंदर जिस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड लिया था संजय जी, उससे यूरोपियन यूनियन के जो देश थे उनके अंदर कदाचित एक संदेह ये पैदा हुआ कि भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस समय पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने तीन यूरोपीय देशों की जो यात्रा अपनी प्लान की है, और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जर्मनी और फ्रांस खासकर हमारे जो परंपरागत जिनसे हमारे सामरिक संबंध भी हैं और उनसे हमारे व्यापारिक संबंध भी हैं, और एक जो विश्व बिरादरी के अंदर भारत अपना जो स्टैंड दिखाना चाहता है कि भाई हम तटस्थ हैं और हम युद्ध के खिलाफ हैं, प्रधानमंत्री जी ने वो चीज भी वहां इस यात्रा के दौरान कल जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया था, तो सही मायने में वो उस समय आपने अगर उसकी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो आपको लगा होगा कि वो स्टेटमेंट नहीं, वो प्रधानमंत्री जी एक स्टेट्समैन की तरह वहां पे बात कर रहे थे। और संजय जी आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 7-8 वर्ष के अंदर जिस तरीके से विदेश नीति के ऊपर, अभी आपने एक सवाल किया हमारी साथी पैनलिस्ट से
कि विपक्ष तो तना हुआ है। देखिए विपक्ष तो जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में जो ताबड़तोड़ इन्होंने विदेश यात्राएं की, उस समय आपको पता होगा विपक्ष ने कैसे मखौल उड़ाया इनका और इनके इनके ऊपर कैसे कैसे चुटकुले बनाए गए थे। लेकिन आगे जाकर के जब आपने देखा और हम जब आज देख रहे हैं कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के अंदर भारत की एक धमक बढ़ी है और इसके जो पक्के जो आपके सामने जो सबूत है वो ये है कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ संजय जी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने रशियन राष्ट्रपति से बात करी और मैं कहूंगा अघोषित उन्होंने 4 दिन के लिए एक तरह का युद्ध विराम कर दिया ताकि वहां से छात्रों को निकाला जाए। ये आपके और हमारे समस्त भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है कि उस युद्ध के दौरान अगर भारतीय छात्र किसी बस के अंदर भारतीय झंडा लगा करके निकलते हैं तो ना रशियन आर्मी ना यूक्रेनियन आर्मी उस बस को कोई भी बेरोकटोक उस बस को जाने दे रही है। तो ये एक इसको आप ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर जिस तरीके से पिछले 7-8 वर्ष के अंदर, और ये भी मैं बताऊं संजय जी कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इतना होमवर्क करके अपने यहां से जाती है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल उन्होंने वहां पे जो जिन चीजों पे समझौते किए हैं और उसके अंदर ग्रीन एनर्जी की एनर्जी को लेकर के भारत के जर्मनी की और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है, जो हजारों करोड़ रुपए का समझौता बैठता है, तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आज तक कोई दौरा मैं ये नहीं मानता कि फेल हुआ है। आज तक मैं ये देखता आ रहा हूं कि जब भी यहां से कोई दौरा प्रधानमंत्री जी करते हैं इतना बढ़िया होमवर्क और इतना अपने सदा हुआ अपनी तैयारी करके जाते हैं कि ये मान के चलिए कि सेंचुरी बना करके ही पेवेलियन में वापस लौटते हैं और कदाचित इन 3 देशों की यात्रा के बाद में भी आपको यही चीज दिखाई देगी। बाकी विपक्ष का काम है अनर्गल आलाप करना तो वो करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बिल्कुल, और विपक्ष की बात है तो हम वैभव जी से ही पूछ लेते हैं। वैभव जी, एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि दौरे का जो समय गलत है, देश में कोयले की कमी हो रही है, बिजली को लेकर संकट है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी बाहर गए हैं। दूसरी बात विपक्ष कहता है कि जो सत्ता है और जो बिजनेस है वो भी चंद लोगों के हाथों में है, इस तरीके की बातें लगातार विपक्ष कर रहा है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि विपक्ष इस पूरी टाइमिंग को लेकर भी सवाल कर रहा है और जो सरकार है और जो बिजनेस है उसे लेकर भी सवाल कर रहा है। उसके अलावा एक सवाल तो मेरा आपसे यही है, इसका जवाब हम चाहेंगे। दूसरी बात, एक सवाल और आपसे है वैभव जी कि आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये दौरे कितना अहम है और हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ये यात्रा हो रही है इससे हमें लाभ क्या होने वाला है। वैभव जी, ये एक सवाल है और शायद विपक्ष को भी यहाँ आपके द्वारा बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। जी नमस्कार संजय जी और अक्षय तृतीय की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरी ओर से हम एक एक दिशा की ओर अग्रसर है जो कि आने वाले समय की हुंकार भर रही है और आने वाले समय में भारत देश को भारत के आज़ादी के बाद मेरे ख्याल से पहली बार एक ऐसा मौका मिला है हम सबको, हम पूरे देशवासियों को, जब अपना विचार हम एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख पाएं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं आज जो हमारे विचार विदेशों में जाके विदेशी नागरिकों से उनके 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 सानिध्य प्राप्त करके हमारे विचार उनके समक्ष रख रहे हैं और बहुत बढ़िया अटूट शब्दों में रख रहे हैं। और निरंजन जी ने भी बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है एक विश्लेषक के तौर पे और अमनप्रीत जी ने तो जो जो स्ट्रैटेजी थी वो पूरी बता दी और मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके ऊपर आर्थिक रूप से कुछ और ऐड कर पाऊंगा। लेकिन राजनीतिक रूप से इन इन दौरों की जो अहम भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ कि जब जब अभी आप देखें पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ ही दिनों में जब से यूरोप में एक थोड़ा सा माहौल दो देशों के आपसी लड़ाई की वजह से एक एक माहौल बना है, तब देखें कि दुनिया में दुनिया के सारे बड़े जो राजनेता हैं, फिर वो चाहे वो लंदन के बड़े लोग हो गए या वो न्यूयॉर्क के बड़े, वॉशिंगटन के बड़े लोग हो गए या कहीं और के बड़े लोग हो गए, वो सभी भारत की ओर
कूच करे हुए हैं और आके प्रधानमंत्री से वार्तालाप कर रहे हैं, भारत को कुछ 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 दे के जा रहे हैं। देखे तो बहुत चीजें दी हैं, जैसे वॉशिंगटन ने हमें अमेरिका ने हमें वेपन्स दिए, टेक्नोलॉजी दिया, उसी तरह लंदन हमें अभी फाइनेंशियल हेल्प और बायलेटरल जो बिजनेस बायलेटरल रिलेशनशिप होता है उसको एनहांस करके हमें एक अग्रीमेंट किया, एक नहीं बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए। उसी तरह डेनमार्क में कोपेनहेगन में ग्रीन एनर्जी पे डिस्कशन हो रहा है और भारत ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी में अग्रसर है। आप देखें हमने ग्रीन एनर्जी की जो पृष्ठभूमि है वो पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आने पे। आज इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन हरित क्रांति वाली एक एक जो कार बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो भारत में आने की बात कर रहा है, भारत में आके दुकान लगाने की बात कर रहा है। हम ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भारत की बनाई हुई हरित एनर्जी, हरित ऊर्जा बेच रहे हैं, हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो रहा कोपेनहेगन का आज का दौरा। उनका जो बर्लिन का दौरा था वो तो बहुत ही जबरदस्त था। आप देखें मैं केवल इस दौरे को, ये तो एक शुरुआत है, अभी आने वाले 6 महीने में आप देखिएगा कि किस तरह वो क्या कहते हैं उसको मैराथन चलेगी। क्यों? क्योंकि भारत आज की तारीख में इकोनॉमिक रूप से ऑलरेडी खुल गया है और खुला है और अपने बाजार को लोगों को बाकी देशों को बेच रहा है। बाकी देशों की विदेशी कंपनियां खूब सारी इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं, हमारे स्टॉक मार्केट में FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके इन्वेस्ट कर चुके हैं। कई कंपनियों में 100-100 बिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई हैं, भारत की स्टार्टअप कंपनियां जो हैं उनमें विदेशी पैसा आके लग गया है। तो ये सारी बातें इस चीज का प्रमाण करती हैं कि जो हमारी विदेश नीति है वो एक एक दिशा को लिए चल रही है। वो दिशा केवल यह है कि भारत का झंडा सबसे ऊपर रहेगा। और दूसरी इसमें खास बात यह भी रहेगी कि आज तक जो बाकी सरकारों के बीच एक वो हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी भारत की जो कला है, भारत का जो आप और मैं और हमारे अमनप्रीत जी और हमारे निरंजन जी, हम लोग सब एक इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, वो कभी ना कभी आके हमारी जिंदगी में हम बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं अपना काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी जिस भी कंट्री में जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां के डायस्पोरा से, वहां के भारतीय प्रवासी भारतीयों से बात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि देखिए ठीक है आप एक समय था जब आप भारत छोड़ के चले गए थे आप, लेकिन आज की तारीख में मैंने वो, हमने मिलके, भारतवासियों ने, भारत सरकार ने भारत के साथ मिलके, भारतवासियों के साथ मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जिस एनवायरनमेंट में आज अपना निवेश आप वापस खुले रूप से कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंटली कर सकते हैं और वहीं बैठे हुए मैनेज कर सकते हैं। एक तो हो गया निवेश, दूसरी बात आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आके आप भारत में करें, आप भारत में घर खरीदें, आप भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदें, आप भारत में गोल्ड खरीदें, NHI के बॉन्ड खरीदें, सारे आप देखें कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है आज की तारीख में। ठीक है एक शुरुआत है, परसेंटेज कम है इन्वेस्टमेंट पे, कोई रिटर्न कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो रही है। आज देखें आप भारत किस तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है, किस तेजी से मकानों का निर्माण कर रहा है जो हमारे BPL परिवारों के लिए होती है, किस तेजी से जब पेशाब करने की जगह नहीं होती थी खासकर महिलाओं को और बच्चों को वो जगह उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने। ये बहुत बड़ी बात है। हम पहले ये बात करते थे कि जब हम विदेश जाते हैं तो वहां पे कचरा केला खाके छिलका अपनी जेब में रख लेते हैं कि जब डस्टबिन दिखे तो हम फेंक देंगे। आज की तारीख में भारतवासी भी यही कर रहा है। आज की तारीख में भारत में सफाई है। आज की तारीख में भारत का भारतवासी शायद कि कुछ कुछ सिटीज में सफाई अभी तक अच्छी तरह से नहीं हुई है लेकिन उसके दिमाग में ये बात कर गई है कि भाई हमें अपना देश साफ रखना है। तो ये सारी बातें भारत को एक एज अ देश केवल एक सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनाता है, एक देश का सुपर पावर नहीं बनाता है, ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट दिखाता है, एक चेंज ऑफ माइंडसेट दिखाता है, यानी मस्तिष्क का बदलाव, सोच का बदलाव दिखाता है कि आज की तारीख में भारतवासी जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय भारतवासी है। हम भारत में रह के, हम दिल्ली में, गुड़गांव में, जयपुर में, भोपाल में, हम इन सारी छोटे शहरों में भी रह के, बी क्लास सी क्लास सिटीज में भी रह के हम बड़ा सोचते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय सोचते हैं। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं संजय भाई, बहुत बहुत अचंभा लगेगा आपको, मैं कोलकाता से दुबई की फ्लाइट का टिकट देख रहा था, ऐसे ही मेरे ऐसे ही एक मैसेज आ गया, मैं टिकट कहीं और का देख रहा था लेकिन मैंने ये मैसेज देखा, हमारे हिसाब से कितने का होगा, 5,000 रुपए का टिकट है कोलकाता से दुबई का, 4 मई का, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं। तो ये है भारत का वासी। आज की तारीख में आप एयरपोर्ट पे जाएं, आज मेरी धर्मपत्नी एयरपोर्ट से कहीं दूसरे शहर गई हैं और उन्होंने मेरे से जब एयरपोर्ट पे फोन किया तो उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट पे तो भीड़ लग रही है जैसे रेलवे स्टेशन हो।
आसान थोड़ी है एयर टिकट का रखना, 8,000, 7,000, 9,000 का टिकट है एक तरफ का दिल्ली से चेन्नई का है, या दिल्ली से बैंगलोर का 6,000, 7,000 का टिकट है, आसान थोड़ी है खरीदना। लेकिन एयरपोर्ट पे भीड़ लग रही है क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है आज भारतवासी एक तो बड़ा सोच रहा है, दूसरा अपनी बड़ी सोच के साथ उसने कमाई के जरिए भी नए खोजे हैं। हम चाहे विपक्ष, अब हम चाहे विपक्ष में, मैं विपक्ष की भी बात करूंगा, मैं एक सेंटेंस और लूंगा, एक कटाक्ष और करूंगा विपक्ष पे थोड़ा सा लाइट करने के लिए, लेकिन मैं पहले अपनी राजनीतिक बात खत्म कर दूं कि हम चाहे विपक्ष को कितना ही सुन ले कि विपक्ष ये बोलता है और विपक्ष वो बोलता है, विपक्ष कोई भी सही बात नहीं कर रहा। आज की तारीख में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि विपक्ष जब बेरोजगारी के मुद्दे पे भिड़ता है तो हमारे पास उसका रिजल्ट होता है। हम देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका नकारात्मक रूप से कर रहा है, और ये पहली बार है जब आजादी के बाद पहली बार पूर्ण रूप से भारत दिख रहा है तो भारत सरकार अपना काम सकारात्मक रूप से कर रही है। अभी तक उल्टा होता था, विपक्ष सकारात्मक रूप से सचेत करता था और भारत सरकार नकारात्मक रूप से चलती थी, जिसके चलते इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। ये एक पहली सरकार है, भाजपा सरकार, मोदी सरकार एक पहली ऐसी सरकार है जिसने इलेक्शन के दौरान अपने मैनिफेस्टो में 10 चीजें बोली और दूसरी टर्म के इलेक्शन जाने से पहले उसमें से 8 कर दी। बहुत बड़ी बात है यार, इतना आसान नहीं होता। और ये चीज अंतरराष्ट्रीय पटल पर जब मोदी जाते हैं तो वहां के लीडर बेवकूफ नहीं है, उनकी तो उनका डेटा कलेक्शन एक आदमी पे, जब वो यहाँ के मोदी जी जा रहे हैं मिलने उनसे, वो यहाँ पे देखते हैं कि भाई मोदी कितना बड़ा आदमी है भारत में। मोदी इसलिए बड़ा आदमी है, मोदी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता इसलिए देता है क्योंकि उसने काम किया है, इसलिए मोदी की इज्जत करते हैं, इसलिए इज्जत नहीं करते कि मोदी की नेहरू मोदी की जो मोदी जैकेट है वो बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, या उनका जो जेट है वो बहुत बढ़िया है, इसलिए इज्जत नहीं है, या हमारी आर्मी बहुत बढ़िया है इसलिए इज्जत नहीं है। वो भारतवासी है इसलिए इज्जत है। और पहली बार भारत में एक राजनीतिक स्थिरता का रूप देखा गया है जिससे अटूट विश्वास पैदा होता है कि भारत आगे आने वाले समय का एक वर्चस्व स्थापित करेगा। तो ये उसी की शुरुआत है, दोनों की जो शुरुआत हुई है। अब मैं आखिरी बात बोलूं संजय भाई कि विपक्ष का हम ऐसा है कि विपक्ष पे कटाक्ष करेंगे, विपक्ष बिल्कुल अपनी भूमिका नकारात्मक रूप से इसलिए कर रहा है क्योंकि विपक्ष जब काठमांडू में अंग्रेजी गानों पर नाच रहा होता है और शायद शराब का सेवन कर रहा, अंग्रेजी शराब का सेवन कर रहा होता है, तब भारत सरकार विदेशियों को धूल चटवा रही होती है। तो वैभव जी, क्या व्यक्तिगत जो जीवन है वो किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखता? अगर कोई कहा जा रहा है, उन्होंने कही है कि भाई ये मेरी निजी यात्रा थी, बिल्कुल ठीक है, उसको क्यों राजनीति में लाया जाए? आपकी बात 16 आने सच है संजय भाई, आपकी बात 16 आने सच है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपकी और मेरी जिंदगी तब तक व्यक्तिगत रह सकती है, निजी रह सकती है, जब तक मैं जनता का टैक्स पेयर का पैसा ना खर्चूं। लेकिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद मैं पब्लिक में आरटीआई के कवर में हूं, मैं पब्लिक में हूं, जनता के पैसे से मेरे स्टाफ की सैलरी दी जाती है। तो आप समझे बात कि मेरी अंडरवेयर का भी आरटीआई लगाया जा सकता है कि आपने किस पैसे से खरीदा, और कृपया कर उसका बिल सबमिट करें कि वो भारत का टैक्स पेयर का पैसा तो नहीं है। तो वो निजी जिंदगी बची नहीं क्योंकि वो विपक्ष के लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। लीडर भारत का वर्चस्व स्थापित कर रहा है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारत का रिप्रेजेंटेटिव है। आप और मैं नहीं है, आम आदमी नहीं है, हम चारों आम आदमी हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए नहीं है, हम आम आदमी हैं, हम सरकार के हिस्सा नहीं है। तो फिर तो ये होगा कि निरंजन जी जो उन्होंने कहा है, वैभव जी उन्होंने बोला है कि भाई मेरे एक मित्र की शादी थी, मैं उसमें गया हूं। वो मित्र कौन है? वो मित्र इस समय चाइना के म्यांमार के सिटिंग एम्बेसडर है, उनकी बेटी की शादी है। मैं बताता हूँ आपको, मेरे को भी न्योता है उस शादी का, परसों की शादी है, मेरे को भी नहीं होता है। वो क्लब जिसका वीडियो हम सब ने देखा है, वो हायत रीजेंसी के अंदर है क्लब, मैं जा चुका हूं। तो आप पे तो आपत्ति नहीं करी किसी ने, आपका तो वीडियो जारी नहीं करा। मेरे पे कर नहीं सकते ना, हम चारों जा सकते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं जा सकते। चलिए बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष जब, मैंने आपको बोला ना, मैं कटाक्ष करके बोल दिया, मेरे को गलत बता दो, विपक्ष जब अंग्रेजी गानों पे विदेशी शराब के साथ नाच रहा था तब भारत सरकार सकारात्मक रूप से
विदेशियों को धूल चटा रही थी। चलिए वैभव जी, कम से कम आप तो नहीं नाच रहे थे, ये तो पक्का है क्योंकि आपका वीडियो, बिल्कुल हम नहीं नाच रहे, मैं तो आपके साथ इसलिए आपका वीडियो आया नहीं है। अमन प्रीत जी, एक अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ, समय भी कम है। मैं आपको बोल रहा संजय भाई, जी जी, विदेशी शराब छोड़कर भारत की रामपुर में इतनी बढ़िया सिंगल मॉल्ट बनती है वो भी देखी जाए तो एटलीस्ट कहीं तो इज्जत रख लो भगवान भारत की। चलिए मैं, अमन प्रीत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है उनसे संपर्क कर गया। निरंजन जी चलिए आप इसे ले लेते हैं कि बहुत जल्दी से 2-3 मिनट में अपनी बात रखिएगा। जैसे जैसे आप देखिएगा 8 साल लगभग हो गए हैं इस सरकार को, अगर हम देखें दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जब भी प्रधानमंत्री जी प्रवासी भारतीयों के लिए बाहर निकलते हैं तो जो प्रवासी भारतीय हैं उसकी तादाद हर बार मीटिंग में बढ़ती जा रही है, तो ये जो बढ़ती जा रही है तादाद और उससे सबसे पहला संबोधन भी उन्हीं के लिए होता है, वो अधिकतर उनको एकदम जाकर मिलते हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी बाहर हों और वो प्रवासी जो भारतीय उनसे ना मिले हो, तो इसकी जो वजह है उसे आप कैसे देखते हैं, ये कौन से कारण है कि एकदम से तादाद वो बढ़ती जा रही है, कहीं भी लोग हैं वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी हैं बाहर? देखिए संजय जी, आपको भी गौरव होगा और मेरे साथ बैठे हुए जो भी पैनलिस्ट है सबको इस बात का गौरव होगा कि विदेशों के अंदर रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं, पहले उनको वहां पे इस दृष्टि से देखा जाता था कि ये सांप और छछुंदर मछुआरों का, और जिसको कहते हैं ना कि सांप सपेरों का देश के वासी हैं। आज जिस तरीके से पिछले 7-8 वर्षों के अंदर उन लोगों की वहां पर भारतीयों की जो साख बढ़ी है और जो जिस तरीके से उन्होंने वहां पे धमाल मचाया है भारतीयों ने, और यहां से भारतीय विदेश नीति की वजह से जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत की एक धमक सुनाई दे रही है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से देखें, ये इसी चीज का कारण है कि जिस घर की इज्जत होती है उसके घर के सदस्य की भी इज्जत होती है संजय जी, ये मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से। जी अमनप्रीत जी, आपसे अंतिम सवाल मैं ले रहा हूँ और 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि वास्तव में जो चीजें वैभव ने बोली, वैसे तो वैभव जी बोलते ऐसा है कि सामने वाला एकदम सुनता रह जाए, और शायद हम भी सुन रहे थे कि चलिए कुछ आज और नया निकल कर आए, और निरंजन जी ने भी बहुत सारी चीजें आपको बताई। अमनप्रीत जी, इन दोरों के महत्व की हम बात कर रहे थे, क्या वास्तव में इन दोरों से हमें, क्योंकि जो प्रवासी भारतीय यहाँ सबसे एक अहम कड़ी है जिसको लेकर लगातार प्रयास सरकार के रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोरों से वो जो प्रवासी भारतीय हैं वो शायद भारत में कुछ नया कर जाएं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं? देखिए संजय जी, पहले तो वैभव जी के साथ मैं 2 चीजों में एग्री नहीं करती हूँ। एक, जो ऑपोजिशन के ऊपर वो तंज कस रहे हैं, ऑपोजिशन जो है लोकतंत्र की सुंदरता है, ऑपोजिशन अगर बताएगा नहीं सरकार को कहाँ गलत है तो वो ऑपोजिशन बताएगा नहीं तो सरकार काम कैसे करेगी। ये लोग जो है वो ऑपोजिशन को अपना दुश्मन समझ के बैठे हैं, ऐसे नहीं होता है, लोकतंत्र में ऑपोजिशन की बहुत अहम भूमिका रहती है। नंबर दो, मैं उनके साथ एक चीज और को लेकर के, उन्होंने अक्षय तिथि की मुबारकबाद दे दी, मैं आपके नेटवर्क बिल्कुल ईद की मुबारकबाद भी आज होनी चाहिए जी, बिल्कुल ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ऐसा है, ये बिक्रा जो है ये भाजपा ही करती है, वैभव जी करते हैं उसके लिए, चाय पिलाते हैं वो सबको, आज वो भूल गए शायद। ईद मुबारक जी, बिल्कुल। तो तीसरी बात ये है कि अगर हम ये सोचे कि जो दौरे हैं, जो विदेश दौरे हैं, उसके बाद निवेश आना शुरू हो जाएगा तभी, तो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है। आप ये देखिए कि ये पहला दौरा तो पीएम का है नहीं है। संजय जी, आप भी इस बात को एग्री करोगे कि बहुत सारे दौरे उन्होंने लगातार किए हैं जैसे ही वो पीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, तो अब तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसा नहीं है, जब तक ये चीजें भी रिजल्ट नहीं लाएंगी तब तक हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि जो भारतीय हैं, एनआरआई हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उनके रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, और भारत में सर्कमस्टांसेस कैसे हैं और कैसे यहाँ पे पीएम हैंडल करते हैं ये चीजें उनके तक पहुंच जाती है। ऐसी बात नहीं है कि पीएम वहां जाके किसानों को बहुत अच्छा बोल देंगे तो वो भूल जाएंगे कि किसान 20 किलोमीटर पे बैठे थे और पीएम मोदी उनको मिलने नहीं गए थे। उनके तक ये बातें भी पहुंची हैं, उनके तक बहुत सारी चीजें, जो घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं जिसमें पीएम ये भूल जाते हैं कि वो पूरे देश के पीएम है ना कि भाजपा के, तो ऐसी चीजें भी वहां तक पहुंचती रहती है। तो एनआरआई अगर इन्वेस्टमेंट करनी चाहेंगे तो उनको बैंकों का हाल भी पता चलेगा, उनको ये भी पता चलेगा कि इन्वेस्टर जो है वो सारे नहीं बन सकते, वो ही बन सकते हैं जो जो भाजपा को पसंद हो या फिर जो अमित शाह को या पीएम मोदी को पसंद हो। तो ये चीजें
बहुत मायना रखती हैं कि अगर तो वो लोग ऐसा हैं कि उनकी जड़ें जो हैं भारत के साथ नहीं है, अगर आप रैलीज की बात करते हो या फिर बात करते हो कि जैसे वहां पे पार्लियामेंट सेंटर पे बहुत भीड़ रही है, डेनमार्क में भी, बर्लिन में भी, तो वो जो लोगों का है वो देश प्रेम झलक रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लगता तो है। ये तो अमनप्रीत आप मानती है कि मोदी जी ने देश प्रेम जगा दिया है? जी, देश प्रेम तो देखो मोदी जी की जगह अगर कोई और पीएम जाएगा तो वो भी जगेगा, पर अगर आप जैसे इन्वेस्टिंग की बात करते हो कि निवेश वो तब लाएंगे जब उनको भारत के लोग पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, और वो तब देंगे जब विदेश की बजाय जब तक जाएंगे नहीं अमनप्रीत जी उनके पास तक तो रिस्पांस क्या देंगे, ये एक बात है। चलिए, क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया है, वैभव एक मिनट में अपनी बात रख दीजिए, अमन जी ने आपको दो तीन चीजें कह दिया लेकिन एक मिनट में क्योंकि एकदम बिल्कुल खत्म। जी संजय भाई, सबसे पहले तो ईद मुबारक हो, अमन जी की मेरी गलती है, मैं स्वीकारता हूं अमन जी का फीडबैक सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अमन जी के पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं ये उनको बोलना चाहूंगा, मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास नंबर्स हैं, तो यदि आप उनसे भी समय लेकर और निरंजन भाई भी अगर आ जाएं कल परसों में कभी भी एक फॉलो अप डिबेट रख लें कि विदेशी दौरा जब तक चल रहा है मोदी जी का, उसका करंट भी रहेगा, तो हम एक रिव्यू कर लेंगे कि पिछले विदेशी दौरों में कितने नंबर्स आए, और उस पर कटाक्ष अगर होना होगा मैं सुनूंगा तो मैं सुनने को तैयार हूं। बाकी देश में मोदी जी एक सिरे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी जी का एक हम आजकल सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बोलते हैं, इसका जो डायस्पोरा का मिलना होता है, जो भारत प्रवासी भारतीयों का मिलना होता है, उसको बेसिकली कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और इससे कोई अछूता नहीं है, आप और मैं तो क्या मोदी जी भी अछूते नहीं है। नहीं, चलिए बिल्कुल, चलिए आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था चर्चा खास में आज, खास विषय, और क्योंकि इस यात्रा पर सबकी नज़र है, पूरे विश्व की नज़र है, उसके अलावा युद्ध को लेकर भी हर कोई इस यात्रा पर नज़र रखे हुए, खासकर भारत के लोगों की बहुत सारी आशाएँ इस यात्रा से हैं। चर्चा खास में इतना, दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद।